वेलकम टू माई चैनल व्यूर्स। आज हम आपको जेंट्स कॉलर पे पाइपिंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। व्यूर्स, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जेंट्स ब्लैकेट पे लूप्स का एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाया। इसके बाद हमने जेंट्स सूट को सिंपल तरीके से स्टिच किया, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में जेंट्स सूट की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखा चुके हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम आपको कॉलर पे डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर को कपड़े पर चिपकाएँगे। व्यूज, हमने बड़े साइज़ वाले कॉलर को चिपका लिया है। अब हम इस दूसरे कॉलर को यहाँ पे ऊपर नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे ऊपर इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए यहाँ पे सेट करेंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ इस दूसरे पीस को यहाँ पे ऊपर सिलाई का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सेंटर में चिपकाएंगे। व्यूज़, अब हम यहाँ कॉलर पे ऊपर और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और नीचे से हम फुल कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़, अब हम पैन कॉलर की शेप देते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से ऊपर से कट कर देंगे। व्यूज़, यहाँ दोनों साइड से हम सिलाई का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। व्यूज़, अब हम नीचे की साइड से कपड़े को इस तरह से टर्न करते हुए प्रेस करेंगे। व्यूज़, यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। व्यूज़, हमने कादर और बैंड कादर को कपड़े पे चिपका लिया है। अब हम कादर पे डिज़ाइन बनाएंगे। व्यूज़, हम यहाँ कादर के कॉर्नर पे पाइपिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ कॉर्नर पे डायगनल शेप में इस तरह से निशान लगाएंगे। व्यूज़, इसी तरह से निशान हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे।
व्यूज़, अब ये हमारे पास ब्लैक पीस है तो इसको हम यहाँ इस निशान पे इस तरह से डायगोनल शेप में यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। व्यूज़, अब हम इस ब्लैक कपड़े को इस तरह से दोबारा टर्न करेंगे। व्यूज़, हम यहां से तकरीबन 1 इंच तक इजाफी मार्जिन लेने के बाद ब्लैक कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़, इसी तरह से हम ब्लैक कपड़े को दूसरी साइड पे भी इस निशान के ऊपर अटैच करेंगे। व्यूज़, यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़, अब ये हमारे पास कमीज से बचे हुए पीस हैं जिसको हमने रेपी शेप में कट किया है, तो इसको हम यहाँ पे ब्लैक कपड़े की पाइपिंग बनाते हुए यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। व्यूज़, ब्लैक कपड़े की पाइपिंग की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। व्यूज़, इसी तरह से रेबी पीस को हम दूसरी साइड पे भी अटैच करेंगे। व्यूज़, अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़, हमने कमीज से बचे हुए रेबी पीस को दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम इस कपड़े की पाइपिंग बनाते हुए दोबारा से ब्लैक पीस को इस तरह से दोनों तरफ स्टिच करेंगे। व्यूज़, यहाँ से कपड़े को बाहर की तरफ इस तरह से प्रेस करते हुए हम इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। और इसी तरह से ब्लैक पीस को यहाँ दूसरी साइड में भी अटैच करेंगे।
व्यूज़ इसी तरह से अब हम दोबारा इस पीस को इस तरह से टर्न करके इस ब्लैक कपड़े की पाइपिंग बनाते हुए यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। व्यूज़ हमने डबल शेड के पीस से पाइपिंग का डिज़ाइन दोनों तरफ मुकम्मल कर लिया है। अब हम इस ब्लैक कपड़े को यहाँ पे स्टिच करेंगे और इस कॉर्नर को फिल करेंगे। व्यूज़ अब ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉलर के दूसरे पीस को कॉलर के साथ स्टिच करेंगे। व्यूज़ यहाँ पे हम कॉर्नर से एक दो सेंटीमीटर बढ़ाते हुए यहाँ पे कॉर्नर पे निशान लगाएंगे। इस तरह से सिलाई की शेप बनाएंगे। व्यूज़ यहाँ कॉर्नर से हम एक दो सेंटीमीटर तक सिलाई को इसलिए बढ़ाते हुए लगाएंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सूट को वॉश करते हैं तो यहाँ फ्यूज़िंग की ट्रिपल लेयर की वजह से हमारा कॉर्नर जल्द डैमेज नज़र आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिलाई को बढ़ाते हुए लगाएंगे ताकि जब हम इसको पलट के टर्न करें या वॉश करें तो हमारा कॉर्नर यहाँ से डैमेज ना हो। व्यूज़ हमसे एक बहुत ही हमारे मोहतरम व्यूअर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें
कॉलर में धागा डालना सिखा दें। तो अब जब हम यहाँ पे कॉर्नर पे पहुँचेंगे इस तरह से, बिल्कुल यहाँ जब हम कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो इस तरह से हम धागे को इस तरह से नीडल के अंदर सेट करेंगे एक स्टेप में। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि धागा नीडल के अंदर कैच हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे इस तरह से कॉलर के अंदर की साइड में इस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो अब हम दोबारा से सिलाई को मुकम्मल करेंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ दूसरे कॉर्नर पे भी पहले की तरह यहाँ पे धागा सेट करेंगे। इस तरह से धागे को डबल करते हुए हम दोबारा से इसको कॉलर के अंदर इस तरह से सेट करेंगे। और अब हम यहाँ से सिलाई को मुकम्मल करेंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ तमाम साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़ अब हम कॉलर को पलटेंगे। इस तरह से धागे को ऐसा ऐसा से खींचते हुए कॉलर के कॉर्नर को टर्न करेंगे। व्यूज़ इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर को भी पलटेंगे। व्यूज़ अब हम कॉलर को प्रेस करेंगे। व्यूज़ हमने कॉलर को प्रेस करके यहाँ से इजाफी कपड़े को कट कर दिया है। अब हम यहाँ एक पैर के वक्फे से सिलाई लगाएंगे।
व्यूज़, अब हम बैन के एक्स्ट्रा पीस को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पे ऊपर एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, अब हम दोनों का इस तरह से सेंटर सेट करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। व्यूज़, अब हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बैन को इस तरह से कॉलर से अटैच करेंगे। व्यूज़, अब हम पैन के दूसरे पीस को यहाँ पे अटैच करेंगे। व्यूज़, अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। व्यूज़, अब हम कॉलर को प्रेस करेंगे और कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। व्यूज़, हमने कॉलर को प्रेस कर लिया है। अब हम सबसे पहले कमीज़ के सेंटर और कॉलर के सेंटर को जॉइन करेंगे, उसके बाद हम सिलाई को एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक लेके जाएंगे।
व्यूज़ अब हम यहाँ इस सिलाई के मार्जिन पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। व्यूज़ अब हम इस सिलाई के मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इस तरह से कॉलर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ हमने कॉलर को कमीज़ से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ लूप्स पे बटन लगाएंगे और कमीज़ की फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। व्यूज़ हमारा ये ब्लैकेट और कॉलर डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। हमने यहाँ पे लूप्स पे बटन सेट कर लिए हैं। व्यूज़ इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आप यहाँ बैंड के अंदर की साइड में एक छोटा लूप सेट करके इस बटन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो व्यूज़ मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। बाकी की कमीज़ को हमने सिंपल तरीके से ही स्टिच किया है, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में आपको सिखा चुके हैं। तो हमेशा की तरह देखते रहिए ग्लैमर डिज़ाइनिंग वीडियोस। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।